वो सारी की सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो पहले मैं बता देता हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप यूज लेते होंगे ऊपर ही ऊपर आपको राजस्थान अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन राजस्थान बिना स्पेस के राजस्थान अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सर्च करना है ये राजस्थान अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का फ्री स्टडी मटेरियल का ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप इसके अंदर देखो अभी जो मैसेज आया हुआ है नीचे इसको थोड़ा स्क्रोल डाउन करिएगा तो यहां पर ये तीन पीडीएफ है थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करिएगा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो अभी तीन पीडीएफ है वो एक साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी भाई थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करो तो ये तीन पीडीएफ आपको यहां पर देखने को मिलेगी ई एम आर एस आई सी टी एग्जाम फर्स्ट ई एम आर एस आई सी टी एग्जाम सेकेंड ई एम आर एस आई सी टी एग्जाम थर्ड इसमें जो मैंने अभी प्रीवियस तीन क्लास ली है वो सारी की सारी क्लासे हैं जो इसके अंतर्गत आपको दे रखी है एक साथ भी है यहाँ पर जैसे आप जाओगे अब देखो आप कहोगे वैसे तो मोर नाचेगा नहीं तुम्हें चाहिए तो इस हिसाब से ले लेना यहाँ पर यहाँ पर देखो फाइल्स के अंदर जाओगे तो फर्स्ट थर्ड इसी हिसाब से मोर नाचेगा इसी हिसाब से मोर देख लेना बेटा अब जैसे आप कहोगे उस हिसाब से तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज आम के बीज आज बो और कल सुबह सर आम रस पिला दो हमें तो जैसे जैसे पीडीएफ आती रहेगी मैं एक साथ बंच में है वो डालता रहूंगा बाकी आपके सजेशन देने की जरूरत तो नहीं है आप ले लो वहां से है ना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर करके पागल हो गया कोई कह रहा है ए फोर साइज दे दो सर अरे पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए या कुछ उ... भाई उनको लेके जाओगे क्या आगे यमराज के पास हैं इनको पढ़ना है अपने दिमाग में डालना है बस इतना ही काम करना है सिंपल सी बात है ये कर दो सर एक साथ कर दो वो कर दो फिर सर वो ही करेंगे तो फिर सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला काम कैसे करेंगे बताओ

है ना बिल्कुल जी सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही बताया आपने आउटपुट यूनिट के द्वारा आप क्या करते हैं कोई भी जो प्रोसेस की हुई सूचना है वो आउटपुट यूनिट के द्वारा है जो यूजर तक पहुंचाई जाती है नेक्स्ट है मॉनिटर की उर्द्व लंबाई और उसकी छत्तीस लंबाई के बीच में जो संबंध है उर्द्व लंबाई और क्षेत्रीस लंबाई के बीच में जो संबंध है मॉनिटर से जो क्वेश्चन बन, बनते हैं मॉनिटर से जो क्वेश्चन बनते हैं मॉनिटर है उसको वीडियो कहा जाता है मॉनिटर को क्या कहा जाता है वीडियो कहा जाता है यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है यह कैसे आउटपुट डिवाइस है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है आज मॉनिटर को लेकर के सारे तथ्य खत्म हो जाएंगे आपके है ना तो जो उर्द्व लंबाई और क्षेत्रीस लंबाई के बीच में जो संबंध है वो आपके एक्सपेक्ट रेशियो के रूप में जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है एक्सपेक्ट रेशियो रेशियो तो होता ही है है ना सोलह रेशियो नाइन है वो वाइड स्क्रीन होता है फोर रेशियो थ्री है ये स्टैंडर्ड साइज होती है है ना एक्सपेक्ट रेशियो के रूप में इसे जाना जाता है। कुंजी पटल की कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तब कौन सी का यूज किया जाता है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके की का इस्तेमाल किया जाता है और कौन सी कुंजी के द्वारा आपके प्रोग्राम रद्द होता है तो की के द्वारा रद्द किया जाता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया अब देखो एक आपके क्वेश्चन है ये डेटा प्रोजेक्टर से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है तो ये सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है आपको बताना है बताओ बेटा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके हॉस्टल वार्डन में आप जब वार्डन बन जाओगे तो छोटे बच्चों को ये है जो इमेजेस वगैरह तस्वीरें हैं वो आपको दिखानी पड़ेगी <coughs> तो एल सी डी डिस्प्ले डेटा प्रोजेक्टर या प्लेट पैनल सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि है वो प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा डेटा प्रोजेक्टर के द्वारा आउटपुट डिवाइस से ये अच्छा क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्टर से एक ही क्वेश्चन बनता है उसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है अब बात करते हैं रेजुलेशन क्या है डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण गुण या स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता होती है मॉनिटर में चित्र का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है जिन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही अच्छा क्या होगा रेजुलेशन होगा तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है जितने ज्यादा आपके पिक्सल्स होंगे है ना जितने ज्यादा आपके देखो ये चमकीले बिंदु होते हैं जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही क्या होगा आपके रिजुलेशन उतना ही क्या होगा आपके रिजुलेशन क्या होगा ज्यादा होगा तस्वीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तस्वीर की सबसे छोटी इकाई तस्वीर की सबसे छोटी इकाई तस्वीर की छोटी इकाई कौन सी होती है तस्वीर तस्वीर की की छोटी छोटी इकाई इकाई है वो पिक्सल्स होती है चमकीले हैं जो बिंदुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है डोटेड के रूप में जाना जाता है है ना अगर सिस्टम टाइम वे दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहे हैं तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं किसका प्रयोग करके रीसेट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ स्मॉल डॉट्स कॉल रिजुलेशन वो तो रेजुलेशन नहीं जाने जाते हैं स्मॉल <laughs> डॉट्स का ग्रुप होता है वो पिक्सल्स हो जाते हैं रिजुलेशन <laughs> तो वो होता है जब वो उनका डेंसिटी है वो ज्यादा होगी तब आप क्या उसे बोल सकते हैं बिल्कुल जी तो पांचवे में डी उत्तर बता रहे हैं अगर टाइम वे दिनांक है वो आपके गलत प्रदर्शित हो रही है तो आप कंट्रोल पैनल के द्वारा क्या कर सकते हैं आप इसकी सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं आपके द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है या फिर इसको ऐसे भी पूछ सक, पूछा जा सकता है एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में कंप्यूटर एडेड डिजाइन केड की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे कार्यो को करने के लिए किया जाता है ये ध्यान रखना बेटा केड की फुल फॉर्म लिखो देखें सभी साथी केड की फुल फॉर्म लिखो कंप्यूटर एडेड डिजाइन बताओ बेटा अब एक क्लास के लास्ट में एक थोड़ी सी आज बात भी करेंगे आपसे संडे को लेकर के एक रणनीति बनाएंगे आप लोगों के साथ ही लाइट पेन है वो कौन सी डिवाइस है लाइट पेन है निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर पद नहीं है कंप्यूटर का टर्म नहीं है कंप्यूटर की कौन सी इनमें से आपको टर्म है वो नजर नहीं आ रही है कौन सी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है वो आपको यहां पर नजर नहीं आ रही है जल्दी जल्दी बताओ लाइट पेन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देखो एनालॉग कंप्यूटर होता है बाइनरी कोड होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल इनको क्या बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है बेटा बाइनरी कोडेड डेसिमल की फुल फॉर्म पूछी जाती है कंप्यूटर में चिप होती है मोड है वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है सेफ मोड होता है <laughs> बाकी कुछ नहीं होता है है ना इनमें से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है यह ध्यान रखना है और नहीं वाले में आदमी फंसेगा है और नहीं वाले में आदमी फंसेगा तो इसका ध्यान रखिएगा कंप्यूटर स्पीकर है माइक्रोफोन प्लटर और एलसीडी मॉनिटर तो कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है बताओ अरे मोड कोई वो तो उसका फंक्शन है, है ना सेफ <coughs> मोड हो गया है ना अब ऐसे तो कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर का होगा ही लेकिन वो तीन मेन आपको दिख रहे थे तो उसको लेकर के चलना था तीन मेन फंडामेंटल से रिलेटेड थे चिप थी बी था तो वैसा मोड थोड़ी है जरूरी थोड़ी है आप बिना चिप के कंप्यूटर चला लोगे क्या आप नहीं चला पाओगे बिना बी के कंप्यूटर चल जाएगा क्या नहीं चलेगा बिना मोड के सर चलेगा है ना एक मोड और भी होता है हमारे राजस्थान में वो मैं बताऊंगा अभी माइक्रोफोन एक मोड और भी होता है उस मोड का इस्तेमाल किया जाता है शादी के अंदर

कंप्यूटर है कंप्यूटर क्या है ऐसा क्वेश्चन भी आपके बनेगा ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पता है कि कौन से सब्जेक्ट में बनेंगे आपके हॉस्टल वार्डन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हमारे राजस्थान में जब दूल्हे को साफा पहनाया जाता है तो उसके ऊपर मोड लगाया जाता है किलंकी और मोड किसी के भाई कुछ और भी हो सकता है है ना हाँ टास्क बार पे करो भले कोई दिक्कत नहीं है टास्क बार पे वो एक साथी कह रहे हैं कि इसमें टास्क बार पे एक क्लिक करके भी किया जा सकता है एक साथी हमारे बोल रहे हैं देखो बड़े खतरनाक ज्ञानी है तो करो भले लेकिन मैं तो कंट्रोल पैनल ऑप्शन ही यही है तो कंट्रोल पैनल जो बता रहे हैं वो समझ लो बेटा है ना नहीं तो क्वेश्चन अपने आप ही सही होंगे फिर <laughs> ओल बता रहे हैं आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है कभी कभार वायरस द्वारा आक्रमित भी हो जा, हो जाए जाती है संक्रमित हो जाती है है ना तो सम टाइम अटैक भी हो जाता है वायरस का तो ये सारी की सारी बातें हैं वो आपके सही है चारों की चारों है ना आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग उपयोग करके उपयोगकर्ता कर सकता है क्या कर सकता है आउटपुट डिवाइसेज से क्या कर सकता है उपयोगकर्ता और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो बेटा लाइक कर दो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ आप अपने गुरु का उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने में लगवाओ है ना बाकी कुछ भी मत करो है ना भोले भाले जीव हो तुम <coughs> सीधे साधे बेचारे प्यारे प्यारे बच्चे हो है ना पढ़ने के ऊपर ज्यादा ध्यान ध्यान रखा करो आप आप क्या करते हो 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 आज खाने में तो ध्यान रखते नहीं हो। प्लेट आ जाती है फिर आप कहते हो, अरे इसमें तो ये रसगुल्ला है वो चोकोर आ गया अरे चोकोर छोड़ो मुंह में उठा के चेपो उस रसगुल्ले को खाओ है ना तो आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपयोग कितना कर सकता है डेटा प्रिंट कर सकता है और डेटा देख भी सकता है प्रिंट करने वाली जो डिवाइसेस है वो तो कौन सी होती है हार्ड कॉपी मिलती है आपको डेटा आप जब देख रहे हैं तो वो कौन सी कौन सी टर्म होती है सॉफ्ट कॉपी होती है है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः रूप लेता है है ना व्हाट डज व्हाट फॉर्म डज एल्फा न्यूमेरिक डेटा जनरली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन में अल्फा न्यूमेरिक मैंने कहा था डेटा की टाइप ही कौन सी है डेटा की टाइप ही कौन सी है अल्फा न्यूमेरिक टाइप है डेटा की टाइप ही कौन सी है न्यूमेरिक है बताओ बेटा हम्म बताओ 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 देखने वाली सॉफ्ट कॉपी अरे वाह भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर दो आंसर दो आंसर दो बी ऑप्शन दे रहे हैं नंबर और एल्फाबेट देखो एक तो ए से जेड ये भी और जीरो से नाइन और उसके अलावा विशेष प्रकार के सिंबल ये सारे के सारे हैं वो आपके अल्फा न्यूमेरिक टाइप है वो लेते हैं नंबर और एल्फाबेट है जो आप इसे बोल सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही है एक आउटपुट डिवाइस जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करती है है ना? फाइबर 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 पेन पेन, पेन नाम सुना होगा आपने। ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से और ये एक डिवाइस के अंदर कई बार क्वेश्चन है वो पहले भी आ चुका है फाइबर टिप्ड पेन नंबर और एल्फाबेट वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेल डन वेल डन वेरी गुड बहुत ही बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्लोटर है ना फाइबर टिप डिपेंड प्लोटर क्या है हाई रिजुलटेड ये एक बार ये ये भी लिखा हुआ होता है हाँ ना हाई हाई है ना हार्ड कॉपी हाई रिजुलेटेड हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है ये आउटपुट डिवाइस के रूप में इसे जानी जाती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस प्लॉटर है ना इसमें फाइबर टिप्ड पेन का यूज किया जाता है नक्शे आदि बनाने के लिए नक्शे आदि बनाने के लिए में भी इसका लिया जाता है। क्या है? उनके बीच की दूरी वो भी डायगनली वो भी डायगनली जो दूरी होती है नहीं? वो डोट पिच है वो एक प्रकार के कलर मोनिटर की डोट पिच है वो आपके कितनी रहती है पॉइंट पंद्रह से जीरो तीस होती है नहीं? पिक्सल्स के बीच की दूरी है वो जानी जाती है अब मुझे आप बताओ कि डोट पिच है वो कब भाई डोट पिच ज्यादा होगी तो क्या होगा पिच है वो ज्यादा होगी डोट पिच ज्यादा होगी तो क्या होगा डोट पिच ज्यादा होगी होगी तो रिजुलेशन कम होगा तो रिजुलेशन है वो क्या होगा रिजुलेशन है रिजुलेशन कम होगा है ना और अगर डोट पिच कम होगी अगर डोट पिच क्या होगी डोट पिच कम होगी कम होगी तो रिजोल्यूशन क्या होगा होगी तो रिजोल्यूशन क्या होगा रिजोल्यूशन क्या होगा रिजोल्यूशन ज्यादा होगा रिजोल्यूशन क्या होगा ज्यादा होगा रिजोल्यूशन क्या होगा ज्यादा होगा दूरी है वो बढ़ेगी तो तस्वीर फटेगी और दूरी है वो कम होगी तो तस्वीर चमकेगी आहा वाह है ना रिजोल्यूशन कम लॉजिकल ऑपरेशन ये कहां होते हैं एलयू के अंदर होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन है वो कहाँ होते हैं एल के अंदर है ना तो लॉजिकल ऑपरेशन यह जानने के लिए डेटा आइटम का दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी है या बराबर है या कम है या डेटा आइटमों को आरोही अवरोही क्रम में निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सेट करना या एंड और तथा नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशन का प्रयोग करते हैं या लॉजिकल ऑपरेशन में जोड़ना घटाना गुणा भाग होता है लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है बताओ बेटा लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है लॉजिकल ऑपरेशन में लॉजिकल ऑपरेशन में है लॉजिकल ऑपरेशन है वो आपकी ये एक आइटम है वो दूसरी से कितना छोटा है कितना कम है बराबर है और एंड और और नोट से नोट से ये आपके लॉजिक है ना लॉजिक गेट्स के रूप में जाने जाते हैं ये ये लॉजिक गेट्स के रूप में जाने जाते हैं लेकिन बात हो रहा है कि लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है तो लॉजिकल ऑपरेशन तो ये है और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए जो हार्डवेयर है वो कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं जो हार्डवेयर है वो कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं लॉजिक गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ये डेटा का डेटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में निर्धारित करना ये क्या कहलाती है शॉर्टिंग कहलाती है शोर्टिंग कहलाती है ये आपके के अंदर होती है बेटा ये के अंदर आप यूज लेते हैं इसको कहां पर यूज़ यूज़ लेते लेते हैं में यूज लेते हैं में में बात समझ आई क्या ये लॉजिक गेट्स है एंड और नोर गेट है ये है ना तो इनके साथ ही कंडीशन किया जाता है लेकिन ऑपरेशन क्या है ऑपरेशन वो चीज है है ना इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक परिवर्णित शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित कौन सा नहीं है बताओ हाँ जी कंपेरिजन बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शेयर और लाइक करो देखो टोनर टोनर है वो डाला जाता है शाही के रूप में आपने देखा होगा कार्टिज है वो कार्टिज के अंदर ही बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है स्पूलर है वो प्रिंटिंग कार्यों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग कार्यों को मैनेज करने के लिए प्रिंटिंग कार्यों को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लैट पैनल है ये मॉनिटर से संबंधित है फ्लैट पैनल है ये मॉनिटर से संबंधित है उसके अलावा प्लॉटर से संबंधित है उसके अलावा प्लोटर है ना प्लॉटर से संबंधित है फ्लैट प्लॉट फ्लैट पैनल प्लॉटर भी होता है है ना और फ्लैट पैनल है वो टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी होती है है ना दोनों चीजें होती है तो यही है वो संबंधित नहीं है नेक्स्ट है सभी तार्किक व अंग परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में होते रहते हैं यह नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है लेकिन यह आपके केवीएस में पूछा गया था केवीएस एग्जाम में यह पूछा जा चुका है पहले नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है बताओ देखे शेयर करो बेटा एक बार शेयर ठोको देखें शेयर करो लाइक करो जल्दी जल्दी देखें सभी तार्किक व गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सीपीयू बोलते हैं मॉनिटर से संबंधित है फ्लेट बेड प्लोटर भी होता है फ्लेट बेड प्लोटर जिसमें टेबल से है जो प्रिंट निकलता है दोनों से मैंने पढ़ाया था बेच के अंदर ड्रम बेस ड्रम पेन प्लोटर है ना फ्लेट बेड प्लोटर दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए लेजर जेट प्रिंटर टच पेड लाइट पेन स्कैनर यह ऐसा क्वेश्चन बनता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ऐसा क्वेश्चन भी घूम करके बन सकता है अभी तक चार सेशन हुए हैं ना आप मान के चलो चार नंबर का मामला मैंने पढ़ा दिया है चार नंबर का मामला मैंने पढ़ा दिया चार अंक का मामला मैंने फिट बिठा दिया आपके उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा है ना अभी तो मेमोरी बाकी है पांचवा क्वेश्चन तो अभी मैं और चेपूंगा आपके देखो बहुत ही खतरनाक तरीके से देखो ये तीनों के तीनों क्या है ये तीनों के तीनों क्या है इनपुट डिवाइस है ये तीनों के तीनों है वो क्या है आपके इनपुट डिवाइस है लेजर जेट प्रिंटर है ये क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है ये क्या है आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट है आपके पास में है ना ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है है ना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना डिस्प्ले की जो तकनीकी है मॉनिटर की रिजुलेशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेसिकली दो टर्म है वो इस्तेमाल की जाती है वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये पीडीएफ में मैंने यहां पर आपके संलग्न कर दिया है है ना देखो आपसे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा रिजुलेशन से वो सिंपल सा है, पिक्सल से क्वेश्चन पूछा जाएगा बाकी तकनीकी तो जबरदस्ती में ले आया तो आगे चलते हैं लेकिन देख लेना एक बार थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए बाइनरी नंबर प्रणाली में जीरो और वन को बाइनरी डिजिट या क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता है बहुत ही बढ़िया है बाइनरी नंबर प्रणाली में जीरो और वन को बाइनरी डिजिट या क्या बोला जाएगा बताओ जल्दी जल्दी बताओ जीरो और वन को बाइनरी डिजिट या फिर क्या कहते हैं जीरो और वन के जीरो और वन के स्ट्रिंग को क्या कहते हैं यहां पर देखो कई सारे साथी गलती करके बाइट्स लगाएंगे

हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है करेक्टर या बिट्स वेरी गुड मॉनिटर लेजर प्रिंटर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या प्रोजेक्टर uh, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ फटाफट आंसर दो देखें क्विकली देखो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है लेजर प्रिंटर है ये बाकी के तीनों के तीनों कैसे हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं ये डी ऑप्शन लगा रहे हैं उनके गलत है बेटा और सी ऑप्शन लगा रहे हैं उनके भी गलत है अरे मैंने बताया था हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस तो वो प्रिंटर से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन से हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो दो हैं ये ध्यान रखना कौन से हैं एक तो प्रिंटर है एक तो कौन सा है प्रिंटर है एक, एक प्लॉटर है एक कौन सा है प्लॉटर है और ये तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों कैसे हैं सॉफ्ट कॉपी ये तीनों के तीनों कैसे हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं कहाँ हो कहा हो मेरे प्यारे साथियों कैसे गलत कर रहे हो एक हार्ड कॉपी किस पर तैयार किया जाता है हार्ड कॉपी लाइन प्रिंटर पर डॉट मैट्रिक्स पर टाइपराइटर टर्मिनल प्लॉटर उपरोक्त सभी के ऊपर यह हार्ड कॉपी के ये हो गया है ना हाँ दस घंटे का समय है तो वो तो लगेगा बेटा वो तो लगेगा है ना नेक्स्ट है स्क्रीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है टच स्क्रीन का उपयोग है इनपुट साथ ही आउटपुट के रूप में भी किया जाता है उसी स्क्रीन से इनपुट भी दिया जाता है और उसी स्क्रीन से आउटपुट लेकिन प्राइमरी जो वर्क है जो प्राइमरी वर्क है प्राइमरी जो कार्य है टच स्क्रीन का प्राइमरी कार्य है वो कौन सा आपके इनपुट ही है प्राइमरी कार्य है वो कौन सा आपके इनपुट ही है ना एक कुंजी जिसे हम चयनित कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं यह मैंने सबसे पहले बताया था एक दो क्वेश्चनों के अंदर है जो सबसे पहले है, जो ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था बताओ बेटा जल्दी जल्दी बताओ देखिए फटाफट क्विकली बताओ बेटा क्विकली बी ऑप्शन टेब नहीं होगा बेटा इसमें एंटर होगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं एंटर की का इस्तेमाल करते हैं और ये कंट्रोल क्यों बता रहे हो भाई चयनित कमांड को चलाने के लिए है ना रन करवाने के लिए कमांड को ये कुछ तो टेप बता रहे हैं अरे जो सेलेक्ट की है कमांड एंटर दबाओगे तभी तो वो चलेगी नहीं तो नहीं चलेगी ये जो कंट्रोल की है ये मोडिफायर की है कॉम्बिनेशन की है ना मोडिफायर की है कॉम्बिनेशनल की है है ना टेब की है टेबुलेटर की है है ना टेबुलेटर की टेबुलेटर की के रूप में ये जानी जाती है है ना शिफ्ट की है ये भी आपके मोडिफायर और कॉम्बिनेशनल की है तो कहा हो ये गलत कैसे कर रहे हो आप सभी लोग हैं बड़ी संख्या के लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है है ना बड़ी संख्या में बड़ी संख्या के लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो बड़ी संख्या के लिए अपन प्रोजेक्टर होगा ना एग्जीक्यूट थोड़ी करता है कर्सर सिर्फ पॉइंट करता है ना? रंग में एक उच्च गुणवत्ता यानी हार्ड कॉपी उत्पादन करने के लिए हार्ड कॉपी और उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वो भी हार्ड कॉपी के लिए प्लटर का इस्तेमाल करते हैं अपन किसका इस्तेमाल करते हैं प्लॉटर का प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग में होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं भाई स्क्रीन के ऊपर आपको चीजें सेलेक्ट करनी है या ड्राइंग करनी है तो इंक मार्कर से नहीं इंक पेन से नहीं मैग्नेटिक पेन नहीं लाइट पेन के द्वारा चीजें की जाती है किसके द्वारा की जाती है लाइट पेन के द्वारा बहुत बढ़िया नेक्स्ट है बिट मैपिंग क्या है जिसमें टेक्स्ट ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है बिट मैपिंग में बिट मैपिंग कहलाती है इसे ऑपरेटर किसी भी आकृति को स्क्रीन पर बना सकते हैं है ना बिट मैपिंग है वो भी आपके कह सकते हैं कि ग्राफिक्स को प्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट में हो चाहे आपके किस में हो फोटो में हो है ना दोनों के अंदर है जो बेसिकली बिट मैपिंग तकनीकी बिट मैप है वो इमेज का एक्सटेंशन भी है जिसे हम लोग बी बोलते हैं क्या बोलते हैं बी एम पी एस सी आई आई है ए एस सी आई आई क्या इंग्लिश वालों के लिए इधर है हिंदी वालों के लिए इधर है ए एस सी आई आई की फुल बताओ बेटा एस की फुल फॉर्म बताइए. फुलफॉर्म क्या है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ना? तो ये डेसिमल के साथ प्रस्तुत करने के लिए नंबर सिस्टम है ये नंबर सिस्टम नहीं है ये एक स्टैंडर्ड कोड है ये क्या है पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर में अक्सर प्रस्तुत करने का मानक है नहीं ये एक एनकोडिंग मानक है जो अक्षर और वर्णों को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड है एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट लेटर दस है ना तो सिंबोलिक प्रोग्रामिंग नहीं है ये एक ये भाषा नहीं है एनकोडिंग ये, ये जो आपके अक्षर है वर्ण है उनको प्रस्तुत करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश है भी देख लो दूस टू रिप्रेजेंट लेटर एंड करेक्टर्स इसकी फॉर्म क्या होती है आपके अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के रूप में इसे जाना जाता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के रूप में इसे जाना जाता है बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंक द्वारा किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है बैंक चेक की त्वरित प्रोसेस के लिए बैंक द्वारा किस तकनीकी का उपयोग है जो किया जाता है बताओ बेटा जल्दी जल्दी बताओ फटाफट <coughs> फटाफट आंसर दो देखें क्विकली सबसे पहले किसका आंसर आता है है ये क्वेश्चन आएगा ना तो कोड होते हैं जो बैंक की ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि आर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक इंक इेक्टर के रूप में इसे जाना जाता है हाँ जी क्लास रुक रुक के चल रही है अरे क्लास तो सरपट चल रही है छब्बीस क्वेश्चन ठोक दिए अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं

छोटे बच्चों को मूवी जरूर दिखाना है ना प्रोजेक्टर और मूवी ऐसी ऐसी नहीं अच्छी मूवी दिखाना जिससे कि वो क्या है कि कुछ चीजें सीख सके और वो अपने लक्ष्य को है जो निर्धारित कर सके ऐसा नहीं है कि कोई हिमेश रेशमिया की मूवी दिखा दी बेचारे पागल हो गए घूमेंगे कि कैसे क्या करना है मामला गड़बड़ हो जाएगा है ना ब्लॉक्स ब्लॉक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लॉक्स का पूरा नाम क्या है वेब ब्लॉक है है ना ये पूरा नाम इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जो छोटी वेबसाइट्स होती है उन्हें हम बोलते हैं जिस पर हम समय समय पर टेक्स्ट चित्र या ध्वनि है वो जो भी गाने हैं अपने अनुभव विचार आदि डाल सकते हैं है ना और व्यक्तिगत जानकारी भी डाल सकते हैं 1999 में आधिकारिक रूप से ब्लॉग की शुरुआत है वो पीटर मोहल्जर के द्वारा की गई थी है ना परवेज अभी मैं दे दूंगा प्रसादी वो वो है <laughs> ये देखो कंट्रोल अल्ट्रल और शिफ्ट को किस कुंजियों के रूप में जाना जाता है ये जो गलती की थी आपने आ, अब भी ठीक करके देता हूं हाँ वो वाली मूवी दिखाओ वो अच्छी मूवी है हंसेंगे वो बढ़िया है ना आलू का पराठा देखो मैं है ना खाने के अंदर तो थोड़ा वैसे हूं मैं खाने के अंदर तो क्या है कि मुंह में पानी आ जाता है मेरे है ना अरे ये इसका मैं एनकाउंटर कर दूंगा देखो देखो कैसे विचार है हमारे अद्भुत विचार है बच्चों के हैं ये बनेंगे हॉस्टल को बर्बाद थोड़ी करना है मोडिफायर की के रूप निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि बिल में अपने आप दर्ज हो जाए आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाए तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है मोडिफायर वेरी गुड वेरी गुड वेल डन वेल डन वेल डन बहुत ही बढ़िया ये तीस क्वेश्चन ठोक मैंने ताबड़तोड़ तरीके से है ना बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो कल है पच्चीस नवंबर हमारे राजस्थान में इलेक्शन का समय है तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास चलेगी कल छह बजे ये है ना आप गालियां दोगे कि सर आपने हमें बताया नहीं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कल है 25 तारीख लेकिन आने वाले संडे को जो संडे आ रहा है ना 26 तारीख को जो 26 नवंबर को संडे आ रहा है तो उसमें 26 नवंबर नौ, को शाम सात बजे से शाम सात से जो इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं या इस क्लास को अभी लाइव देख रहे हैं इस संडे 26 नवंबर को मुझे 500 प्लस साथी चाहिए चाहिए मैं रीजनिंग के और कंप्यूटर के रीजनिंग के रीजनिंग के आपके रीजनिंग का पूरा मॉडल पेपर रीजनिंग का पूरा मॉडल पेपर और उसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे अच्छे कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं आप मुझे इस क्लास के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि कंप्यूटर के कौन से टॉपिक के सीरियल वाइज ही चलने चले या कौन से टॉपिक देखो रीजनिंग के तो मैं कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा पजल के भी कराऊंगा डेटा सफिशियंसी भी कराऊंगा आपके सिटिंग अरेंजमेंट भी कराऊंगा इनइलिटीज भी कराऊंगा ब्लड रिलेशन भी कराऊंगा डायरेक्शन टेस्ट भी कराऊंगा कारण प्रभाव वाले भी करवाऊंगा वेन वाले भी करवाऊंगा देखो मेरे दिमाग में पूरा सिलेबस फिट है है ना बात समझ में आई क्या बताओ 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 तो मुझे 26 तारीख को 500 प्लस साथी चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा डोकरा नाराज और फिर आप मनाते फिरोगे देखो आपको बताया मेरे को गुस्सा बहुत आता है वैसे वैसे नहीं गुस्सा आता आपके भोलेपन पर कि मैं आपके लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहा हूं और आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं समझो बेटा कोई नहीं करता है इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एना? गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैंने जैसा आपको पढ़ाया मेरे पास फोन आते हैं रात को दस बजे दस दस बजे फोन आते हैं कि जैसा सर आपने पढ़ाया वैसा नहीं पढ़ाया हमें किसी ने है ना कई सारे तो कई मतलब मजेदार सी बातें लिखते हैं मजा आता है मुझे पढ़ने में उनके कमेंट है ना साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन ठीक है एमएस ऑफिस के क्वेश्चन ज्यादा लीजिए सर एमएस क्वेश्चन एमएस ऑफिस के क्वेश्चन ही ज्यादा करेंगे अपन चिंता मत करो आप मस्त साइबर सिक्योरिटी और एमएस ऑफिस के क्वेश्चन करेंगे लेकिन मुझे आप आश्वस्त कर दो कि 500 प्लस विद्यार्थी हम आ जाएंगे सर आप चिंता मत करो कर दो यार एक बार कभी मेरा भी तो मन होता है कि मैं भी ऐसे चिल्लाऊ कि भाई है ना आप रिकॉर्डेड देखते हैं रिकॉर्डेड पांच से छह स्टूडेंट देखते हैं अगर वो लाइव आ जाए तो फिर मैं गंगा ना लू है ना चलिए एमएस ऑफिस और मेमोरी से बिल्कुल जी बिल्कुल लेके आऊंगा तो इसकी पीडीएफ मैं कहां देने वाला हूं जो मैंने 500 क्वेश्चन के लिए आपको बोला था कि मैं 500 क्वेश्चन दूंगा उसके तीन तीन पीडीएफ में डाल चुका हूं तीन पीडीएफ है वो मैं राजस्थान अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के टेलीग्राम पे डाल चुका हूं और आप सभी प्यारे साथी हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो आप अड्डा ट्वेंटी की मोबाइल ऐप डाउनलोड करो ऑल कोर्सेज के अंदर आप पधारिए और ऊपर ही ऊपर है जो स्टेट एग्जाम में आप क्या सिलेक्ट कीजिए राजस्थान और ई एम आर एस कैटेगरी पे जाइए ये रहा यहाँ पर ई एम आर एस होस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज है और यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कूपन कोड कौन सा लगाएंगे वाई फोर हंड्रेड एस कूपन कोड लगाएंगे एक सौ छत्तीस रुपये में आज आज मिल रही है क्योंकि ट्वेंटी टू परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है तो अब है जो इस डिस्काउंट का फायदा उठाओ और कूपन कोड वाई फोर हंड्रेड एस का यूज करो ज्यादा से ज्यादा तो अब इजाजत चाहता हूं थैंक यू थैंक यू वेरी मच धन्यवाद आप सभी को थैंक यू गाइस